नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको CRPF ग्रेटर नोएडा रिक्रूटमेंट 2021 की भर्ती के बारे में बताऊंगा। भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती से रिलेटेड। ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र दादरी रोड ग्रेटर नोएडा। अब इसके बाद आपको बताया गया है कि मोन्टेसरी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी व के जिम पढ़ाने हेतु अस्थायी तौर से 11 माह के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब इसके बाद आपको एक टेबल दी गई है, आपको यहाँ पर पदों की संख्या, मानदेय यानी पे स्केल और आयु के बारे में बताया गया। जैसे सिंपली मैं आपको एक बता दूं, पहले मुख्य अध्यापक है, इसकी टोटल एक पोस्ट निकली हुई है और साथ में इसका जो मानदेय होगा वो 10,000 रुपये प्रतिमा होगा। और अगर आयु की बात करते हैं तो कैंडिडेट की आयु जो है वो 30 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से आप सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, अब इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। तो पहला मुख्याध्यापिका, तो मुख्याध्यापिका यानी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी बीएड और साथ में दोस्तों आपको प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या फिर BTSC का प्रशिक्षण होना चाहिए और साथ में भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षण यानी कि CTET जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आपके अनुभव के बारे में बताया गया, तो आपको कम से कम 5 साल का अध्यापन यानी कि टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। अब इसके बाद अध्यापिका यानी कि टीचर की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताया गया, तो इसके लिए कैंडिडेट को कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और स्नातक शिक्षा यानी कि BEd होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या फिर BTS का परीक्षण होना चाहिए और साथ में आपको अध्यापक पात्रता परीक्षण यानी कि TET का भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर जो वैकेंसी है ये आया के बारे में है। इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 5वीं क्लास पास होना चाहिए और हिंदी में जानकारी भी होनी चाहिए। अब इसके बाद आवेदन पत्र के बारे में बताया गया, तो आपको आवेदन पत्र में आपका नाम, फोटो, आपके पिता या पति का नाम, पद का नाम और आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स जो है वो देनी होंगी। अब इसके बाद आपको आवेदन करने का तरीका बताया गया, तो जो भी कैंडिडेट इसे फिल करने के लिए इच्छुक है उसे 19/6/2021 से पहले अपना एप्लीकेशन लेटर ऑफिस में भेजना होगा और उसका जो पता है वो मैं आपको बता दूं, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दादरी रोड ग्रेटर नोएडा 201306 इस पते पर, या फिर नीचे चलकर आपको एक मेल आईडी दी गई है, इस पर आप अपना एप्लीकेशन लेटर जो है उसे भेज सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, तो कैंडिडेट्स का जो चयन प्रक्रिया होगा वो शैक्षणिक अनुभव के आधार पर ही होगा। और दोस्तों नोट में आपको बताया गया कि जो ये चयन प्रक्रिया है यानी कि ये जो भर्ती है ये किसी भी प्रशासनिक कारणों के कारण रद्द भी की जा सकती है या फिर बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। तो यहाँ पर आगे चलकर आप पुलिस उप महानिरीक्षक के सिग्नेचर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो अभी नीचे चलकर आपको नोटिफिकेशन करके एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।